तो अगर आप कोई भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco का डिवाइस यूज़ करते हो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी MIUI का अपडेट आता है इन सारे फ़ोन्स के अंदर हमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलता है और कभी कभार तो कुछ ऐसा भी फीचर्स आ जाता है जो कि बाकी सारे ब्रांड्स उसी फीचर को हाईलाइट कर करके अपना फ़ोन बेचते हैं, जैसे कि मेमोरी एक्सटेंशन। तो ये जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर है, बाकी सारे ब्रांड्स आप लोगों ने देखा होगा कि इस फीचर को हाईलाइट कर करके अपना फ़ोन बेचते हैं, लेकिन वहीं पे Xiaomi ने क्या किया कि उसका जो भी एग्जिस्टिंग फ़ोन्स था MIUI 12.5 एनहेंस वर्जन की अपडेट के थ्रू ये फीचर दे दिया। तो इस तरीके का काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है Xiaomi MIUI के थ्रू अपने अपडेट्स के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि ब्रांड्स कभी भी आपको OTA अपडेट के थ्रू ऑफिशियली नहीं देगा। तो फिर मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा आज के टाइम पे काफ़ी सारे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि अपडेट के थ्रू ये आ गया या फिर ये आ जाएगा। तो ये वीडियो एक तरफ से मीथ बस्टेड वीडियो होगा। तो यहाँ पे सबसे जो पहला मीथ है वो यही है कि कैमरा के FPS के अंदर अपडेट आ जाना। अब ऐसे आप लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ें देखा होगा, सुना होगा कि नया अपडेट के अंदर क्या हम ये चीज़ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इस तरीके का मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं कि क्या हमें अगले अपडेट में कैमरा के अंदर मेरा फ़ोन 4K 30fps तक ही मैक्सिमम सपोर्ट करता है इसका वीडियो रेजोल्यूशन, तो क्या आगे चल के इसके अंदर हमें 60fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगा। आपने जो फ़ोन बाय किया है, जो ओपन करते ही बॉक्स से जो रेजोल्यूशन था वही लास्ट तक रहेगा। अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये है Redmi K20 Pro, इसमें 4K 60fps तक का अप टू सपोर्ट है वीडियो रेजोल्यूशन। और रिसेंटली यानी कि इसी साल लॉन्च किया Xiaomi ने Mi 11X, जिसमें हमें देखने को मिलता है Snapdragon 870 जो कि 855 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और स्टेबल भी है। लेकिन क्या वो प्रोसेसर कैपेबल नहीं है? जी हाँ, कैपेबल है, लेकिन Mi 11X के अंदर 60fps का ऑप्शन ही नहीं है, अप टू 4K 30fps तक ही सपोर्ट है। अभी अगर आप पूछोगे कि इस तरीके का चीज़ ब्रांड्स क्यों करता है, तो प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर एक ही फ़ोन के अंदर सब कुछ चीज़ें दे देगा तो उसका जो हायर वेरिएंट है तो वो फिर कौन बाय करेगा। तो अभी आपको यही जानना है कि हाँ, भले ही अपडेट के थ्रू कैमरा के अंदर और भी जो काफ़ी सारे फिल्टर्स या फिर जो फीचर्स वगैरह हो गया, ये हमें आगे चल के अपडेट के थ्रू कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकता है, या फिर जो पुराना फीचर्स था वो गायब भी हो सकता है, लेकिन वीडियो रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाना या फिर कैमरा इंक्रीज हो जाना, इस तरीके का चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कैमरा इंक्रीज के बारे में तो आप सोचना भी मत, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल का है। अब सेकंड मीथ के बारे में बात करते हैं कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट की अपडेट के बारे में। मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे काफ़ी सारे पहले कमेंट्स आ चुके हैं, आज भी आ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर अपडेट के थ्रू हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट में कोई अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो जी नहीं, इस तरीके का चीज़ कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने जब फ़ोन बाय किया था, बॉक्स ओपन किया था, जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट था, जब तक फ़ोन टूट नहीं जाता, एकदम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वही स्क्रीन रिफ्रेश रेट ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, कुछ फोन्स के अंदर जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा हद तक इंक्रीज किया जा सकता है, चाहे वो कस्टम रोम के थ्रू हो या फिर रूट वगैरह करके हो, लेकिन ऑफिशियली जो ब्रांड्स की तरफ से आपको अपडेट आएगा इसके अंदर ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अब थर्ड मिथ के बारे में बात करते हैं, जो कि इसी तरीके का है कि गेम के अंदर FPS का अपडेट आ जाना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लाइक मैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चलता है उसी का एग्जांपल देता हूँ, पबजी में 90fps का अपडेट आएगा या फिर नहीं। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट और FPS अलग अलग चीज है, तो आप कुछ इस तरीके से समझो, अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले 60Hz का है तो देन 60Hz ही आगे चल के आपको सपोर्ट मिलेगा,
आपके फ़ोन के अंदर जो 90fps वाला गेम है या फिर ऐप है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर आपका स्मार्टफोन 120 या फिर 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है तो देन वो आगे चल के अपडेट आ सकता है। अगर वो उसका पर्टिकुलर गेम डेवलपर चाहे फिर जो फ़ोन का ब्रांड है वो अगर चाहे को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही सोचो कि आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले है मैक्सिमम जितना स्क्रीन रिफ्रेश रेट है मैक्सिमम वही तक का आपको FPS देखने को मिलेगा। तो आगे चल के आप ये मत सोचो कि अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है तो देन 90fps BGMI में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर कोई दूसरे ऐप दूसरे कोई गेम के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये आप लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी बार इसके बारे में भी सुना होगा कि फास्ट चार्जिंग का अपडेट आ गया या फिर कुछ ऐसे ऐप्स है प्ले स्टोर के अंदर जिसे आप यूज़ करके अपना फ़ोन जो है फास्ट चार्ज कर सकते हो, जो चीज़ एकदम गलत है। अभी के टाइम पे फ़ोन जितना चार्ज सपोर्ट करता है लाइक 33W तो बॉक्स में ही हमें 33W का चार्जर देखने को मिलता है। हाँ, ऐसे कुछ फ़ोन्स है डिफरेंट ब्रांड्स का जो 25W सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में 15W का चार्जर देखने को मिलता है। सेम उसी तरह से K20 Pro के अंदर भी 27W आई थिंक सपोर्ट था लेकिन बॉक्स में हमें 18W का चार्जर मिला। तो ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि कोई भी ऐसा ऐप नहीं है या फिर कोई भी ऐसा कस्टम रोम नहीं है, कोई भी आप रूट का ऐसा प्रोसेस कुछ भी नहीं है जिसमें आप ये सोचोगे कि फ़ोन के अंदर जो फास्ट चार्ज है वो एनेबल हो जाएगा। कभी कभार कुछ बग्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अपडेट के थ्रू आते हैं जिसमें हमें जो चार्जिंग है वो थोड़ा सा स्लो हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में कोई अपडेट आने के बाद उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं ब्रांड्स। एकदम से हाई स्पीड या फिर फास्ट चार्ज का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपका फ़ोन 18W को फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है तो 33W का आपको अपडेट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ ज़रा सर यहाँ पे गलत है। एंड अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि गूगल ऐप्स के बारे में। आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे फोन्स आते हैं जिसमें हमें प्री इंस्टॉल गूगल की ऐप्स देखने को मिलता है, स्पेशली जो कॉलिंग हो गया या फिर मैसेजिंग हो गया, क्योंकि गूगल का जो ऐप्स है इसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले पर्सन को मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग इससे प्रेफर नहीं करते हैं, और काफ़ी सारे से पुराना भी डिवाइसेस है जिसमें आपको MIUI का डायलर या फिर MIUI का मैसेजिंग ऐप देखने को मिलता है। तो आप ये मत सोचो कि आने वाले दिनों के अंदर जो अपडेट आएगा उसके अंदर जो गूगल का ऐप्स ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा, जो MIUI का डायलर है या फिर जो मैसेजिंग ऐप है वो रिप्लेस हो जाएगा गूगल की ऐप से। या फिर अगर आप कोई नया फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें गूगल की मैसेजिंग ऐप है या फिर गूगल का डायलर है, तब भी आप ये मत सोचो कि आने वाले दिनों के अंदर अपडेट्स के थ्रू MIUI का मैसेजिंग ऐप या फिर MIUI का डायलर देखने को मिलेगा। तो आपका फ़ोन जैसा आया था बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा लास्ट तक। लेकिन ये चीज़ भी पॉसिबल है अगर आप इंडिया को छोड़ के दूसरे किसी रीजन का जो रोम है उसे आप इंस्टॉल करते हो, लेकिन ऑफिशियली अपडेट के थ्रू ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया कि आएगा, ये जरा सर यहाँ पे गलत है और इसके बारे में तो सोचना भी मत। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर इसके बारे में और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है आपके मन में तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।